नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आदि पुरुष मूवी के बारे में। तो आदि पुरुष मूवी जैसे कि आप सभी को पता है इसी महीने 16 जून को रिलीज होने वाली है, लेकिन इस मूवी के रिलीज होने से पहले इसके जो मेकर्स के थ्रू एक और इसका ट्रेलर यहाँ पर अनाउंस किया गया, मतलब फाइनल ट्रेलर यहाँ पर रिलीज किया गया कल जो टी सीरीज के ऊपर, जिस ट्रेलर के ऊपर अभी उनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन इस ट्रेलर के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं। कुछ लोग ये ट्रेलर उतना अच्छा नहीं लगा, कुछ लोग ये ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा। सबसे पहले इसको लेकर यहाँ पर पीजे एक्सप्लेन ने एक ट्वीट किया था, आदि पुरुष फाइनल ट्रेलर, कहते हैं ढूंढने पर भगवान भी मिल जाते, तो आदि पुरुष में खूबियां क्यों नहीं मिलेगी, मगर सही मायने में वो रामायण नहीं है जो मैंने कल्पना की थी या फिर कामना की थी। योगी बोलता है एक ट्वीट कहते हैं, आदि पुरुष ट्रेलर 2 फर्स्ट टीजर इज वास नॉट ओके, फर्स्ट ट्रेलर इज ओके बेटर देन टीजर, एंड दिस ट्रेलर इज अगेन गिविंग मी वाइब्स फॉर द फर्स्ट टीजर, इसको नहीं लाना चाहिए था। बीएनएफटीवी लिख के रावण की मूवी दिखाई सीधा पिक्चर में होगी, हैशटैग आदि पुरुष एक्शन ट्रेलर। एंड ऑल्सो यहां पर केरी मिनाटी ने भी यहां पर आदि पुरुष मूवी को लेकर ट्वीट किया था, उन्होंने यहां पर लिखा ये आदि पुरुष मूवी इतनी डार्क क्यों लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे रामायण को डीसी ने बनाया। बाकी यार आपको क्या लगता है इसको लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से शेयर करना। नल्सो क्या होता है ना, यहाँ पर आदि पुरुष मूवी के बारे में बात हो ही गई तो बात कर लेते हैं एक और रामायण मूवी के बारे में, जो कि बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर बताओ तो अभी एक मूवी का बहुत जल्दी अनाउंसमेंट हो सकता है। यहाँ पर कुछ कल से कुछ रिपोर्ट्स आ रही है जहाँ पर बताया जा रहा है कि रणवीर कपूर, आलिया भट्ट एंड यश रॉकिंग स्टार यश हमें एक रामायण मूवी के अंदर देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर रणवीर कपूर राम जो सीता का रोल प्ले करेगी, यहाँ पर आलिया भट्ट एंड यश हमें रावण के रोल में देखने को मिल सकते। जिस मूवी का नाम होने वाला है रामायण मूवी, एंड इस मूवी को मे भी यहाँ पर दिलवादी तक यहाँ पर अनाउंस कर दिया जाए। तो अभी तक इस मूवी का कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आया, जब आएगा यार अनाउंसमेंट सोचो क्या ही खतरनाक होगा। तो चलिए बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। सभी हम बात कर रहे हैं केरी मिनाटी के बारे में। तो केरी मिनाटी ने भी एप्पल का एक नया प्रोडक्ट आया जिसका नाम है एप्पल विजन प्रो, उसको लेकर एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा ये एप्पल विजन प्रो पर डॉट देख सकते हैं क्या, यहाँ पर आप खुद यहाँ पर रीड कर सकते हो क्या देखने की बात करें। अब इसी ट्वीट के नीचे ने यहाँ पर आशीष चला ने रिप्लाई किया, भुवन बाम 100% ले रहा है तब तो ये, तो यहाँ पर आपको आइडिया लगी गया। यहाँ पर भुवन बाम को थोड़ा सा यहाँ पर ट्रोल कर रहे थे। भुवन बाम के बारे में बात हो गई तो बात करते हैं भुवन बाम के बारे में। तो आपको बताओ भुवन बाम की अभी तक यहाँ पर 2 वेब सीरीज आ चुकी है, एक ढूंढरा जो उन्होंने खुद से अपलोड किए थे, यहाँ पर खुद से क्रिएट किए थे, यहाँ पर यूट्यूब पे अपलोड किए थे फ्री में। इसी के साथ उनकी एक ताज़ा खबर वेब सीरीज भी आई थी जो कि हॉटस्टार पे आई थी। भुवन बाम की दोनों वेब सीरीज आ चुकी है IMDb की टॉप 50 मोस्ट पॉपुलर इंडियन वेब सीरीज के बारे में। जी हाँ, बता दूं IMDb ने हाल ही में यहाँ पर टॉप 50 मोस्ट हाईली रेटेड यहाँ पर वेब सीरीज की लिस्ट निकाली, जहाँ पर भुवन बाम की जो ढिंडोरा वेब सीरीज यहाँ पर 16वां नंबर पर आ चुकी है। जी हाँ, 16 नंबर पर यहाँ पर भुवन बाम की ढिंडोरा वेब सीरीज है 8.8 स्टार के साथ में। इसी के साथ में जो उनकी हॉटस्टार पर जो ताज़ा खबर वेब सीरीज आई थी वो यहाँ पर आप देख सकते हो 29 नंबर पे है, जिसको कि IMDb में 8.2 स्टार की रेटिंग मिली। बाकी यार इसके बारे में आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। बस यार आज के लिए यही थी अपडेट, ऐसे और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लेना।